हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बेबीज़ की हेल्थ को लेकर। तो गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर बेबीज़ को छोटा मोटा पेन हो रहा है, कुछ भी टमी पेन या इचिंग मोमिटीज़, तो प्लीज़ गाइस, आपको हॉस्पिटल जाने की या दवाई लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा दर्द घरेलू इलाज से भी ठीक किया जा सकता है गाइस, तो आप भी मेरे जैसी गलती ना करें प्लीज़। इसलिए मैं आपके साथ आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मेरा बेबी खाना नहीं खाता, तो उसकी चिंता के लिए हम हॉस्पिटल गए, फिर ये दवाई लाए। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट पूरी भरी हुई है। इसको दे भी रही हूँ लेकिन इसे फ़ायदा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि उसे जब खाना उसका मन रहता है तो वो खाएगा, उस खेलने कूदने के साथ साथ खाता है वो। ये जब बेबी उल्टी करता है, उल्टी उसको कर रहा था, तो फिर ये मैं ये वाली दवाई लाई थी। मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की है कि ये देखिए, इतनी सारी दवाई लाई, जब वो उसको पोटी नहीं आती है तो उसके लिए ये वाली लाई, उसको बुखार आता है, हल्का सा भी फीवर रहता है तो उसके लिए ये, और उसको सर्दी रहती है तो उसके लिए ये। बट ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है बच्चों के लिए, 17 दवाइयाँ देने के बजाय। सॉरी गाइस, बीच में मेरा हंसू आ गया था, माय सन। ये देखिए, ये ग्राइप वाटर है, ये बहुत काम की चीज़ है, आप इसे हमेशा अपने पास कैरी कर सकते हैं। बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है ये। जब बेबीज़ ज़्यादा रोते हैं, नींद नहीं आती है, मैं आपको बता नहीं सकती कि कौन सी कंपनी का है, पर आप कोई सी भी कंपनी का हो दे सकते हैं, बेबीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। सो गाइस, सारी बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ की है कि आप ये सारी चीज़ें देने के बजाय थोड़ा बहुत घर का भी कर सकते हैं। एंड इग्नोर माय वॉइस, क्योंकि बहुत अजीब है, बट गॉड गिफ्टेड। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइबर ही नहीं है मेरे तो।